सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार में श्रुति चौधरी ने केंद्र से पैसा लाकर भिवानी महेंद्रगढ़ में विकास करवाया था। आज वह विकास यहीं का यहीं तक है। बीजेपी मुद्दा वहीन है। बीजेपी ने विकास नहीं बल्कि सत्यानाश ही किया है। किरण चौधरी भिवानी के जीतूवाड़ा जोड़ स्थित धर्मशाला में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर गए थे तथा उन्होंने बयान दिया था कि वे चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि वे विकास नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा की 10 सीटों पर विजय होगी तथा प्रदेश व देश में विकास कराएगी। किरण चौधरी ने कहा कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद थी तथा उन्होंने भिवानी में खूब विकास करवाया था। वे अब लोगों से विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। किरण चौधरी से पूछा गया कि आने वाले समय में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैलियां करेंगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ने के आसार हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि विकास उन्होंने करवाया है। प्रदेश में होने वाले चुनाव में उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर रहेगी। लोगों का असीम प्यार मान सम्मान हमारे साथ है क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उमड़ उमड़ के लोग आ रहे हैं और श्रुति को अस्वस्थ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 12 तारीख को श्रुति को जिता कर भेजेंगे, क्योंकि श्रुति ने इस इलाके में बहुत काम करा है। यहाँ की सड़क जो है वो श्रुति के कारण है। यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था करी गई, पाइपलाइन डाली गई है, वो श्रुति के कारण। जो यहाँ पे सीवर डाला है वो श्रुति के कारण। बड़े बड़े काम करे हैं और लोग जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग। मैडम, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ रही है, उनके पास कोई मुद्दा मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का धरातल पूरी तरह से खिसक चुका है, वो लोग भी जान गए हैं। ये केवल आपके मीडिया के जरिए और दूसरे उस काम के जरिए ये हवा फैलाने के चक्कर में है। धरातल पे आप देखिए, हर वर्ग त्रस्त है। सब जानते हैं इन्होंने 5 साल में कोई काम करा नहीं, सारा का सारा सत्यानाश के अलावा और कुछ हुआ नहीं। हर एक वर्ग जो है वो दुखी है और ये समय देख रहा है कि वोट की चोट से इनको किस तरह से बाहर भगाया जाए। आने वाले समय में मोदी जी की और अमित शाह जी की रैलियां हरियाणा के अंदर क्या मानती हैं इनकी रैलियां? बहुत अच्छी बात है, रैलियां करें, रैलियों से कुछ नहीं होता। जो हम अब ये बताओ, यहाँ मोदी जी ने आके इनका सीवर डलवाया क्या? पानी इनका मोदी जी ने डलवाया? बताओ भाई, कदे नहीं डलवाया जी। मोदी जी आए क्या यहाँ? काम इनकी सड़क कौन करवाई, किसने करवाई? श्रुति चौधरी ने करवाई भाई। चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं। पहले दर्दन कराया, दर्दन कराया, बाप ने कराया, मान कराई, बेटी कराई, तो कदे कांग्रेस में कदे बीजेपी में। हरियाणा में कितनी सीटें आने की संभावना है? हरियाणा में सब जितने भी उम्मीदवार हैं सशक्त होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझती हूँ पूरी तरह से जो है सशक्त होकर उभरेंगे 10 की 10 सीटों में।